हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रीजा गोयल ब्लॉग्स। और छठ से मैं वापस हॉस्टल आ गई हूँ क्योंकि मैं परसों ही आई थी और आज मेरा एग्ज़ाम है। और कल मैंने पूरा मतलब पढ़ाई की है, सिर्फ कल मैंने पढ़ा है क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। इस वजह से मुझे पढ़ना था क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो इनकम्प्लीट थे मेरे। और उसके बाद अब आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। छोटा मोटा क्लिप बनाऊँगी क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम के बाद टाइम मिले तो थोड़ा बहुत करूँगी। और हाँ, छठ का थोड़ा सा ब्लॉग लेट जाएगा बिकॉज आपको पता है मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, अभी 3-4 दिन एग्ज़ाम चलेगा तो मैं एडिट कर नहीं पाऊँगी। सो इस वजह से थोड़ा सा मेरा लेट जाएगा, सो सॉरी उसके लिए। कोई नहीं, चला जाएगा, अब क्या कर सकती हूँ। एग्ज़ाम तो ऐसे टाइम पे आ गया कि मतलब एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, वरना अगर टाइम होता एडिट करने का दिन मैं करके डाल चुकी होती, बट कोई नहीं, आई एम सॉरी। प्लीज़, मैंने कुछ खाने को तो बनाया नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में तो टाइम नहीं था खाना बनाने का। सो ये प्रसाद छठ का जो ठेकवा होता है वो एक पीस खा के निकल जाएंगे, फिर जल्दी ही एक ही छुटेंगे, फिर फिनिश करके आएंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। यस, फाइनली मैं अभी कॉलेज से आ गई हूँ। एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया है, बाकी आ गया, अब खाना बनाना है मुझे, फिर खाना खा करके मुझे जल्दी से अपनी कोचिंग जाना है, क्लास करना है, उसके बाद फिर आना है, फिर कल एग्ज़ाम है, फिर उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करनी है। सो अभी जस्ट आए हैं और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला कॉलेज के पास, बिल्कुल भी नहीं। सो कोई नहीं, आगे फिर कल भी अभी बाकी है। तो मैंने नाश्ता बना लिया है, आलू गोभी का भुजिया और पराठा, तो इसको खा कर करके ये रहा मेरा आलू गोभी का भुजिया और पराठा। मैं ना गई थी सब्जी बनाने को आलू गोभी का, लेकिन ना ये आलू ना भुजिया के टाइप का कट गया तो फिर भुजिया बनाना पड़ गया। तो मैं जल्दी से खा करके निकलूँगी अपने कोचिंग, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। यस, फाइनली तो मैं अपने कोचिंग से वापस आ गई हूँ और आई होप आपको वीडियो पसंद आई है आज की। और अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।